हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स ने डेली डाइट यानी DLED का फॉर्म फिलअप किया था टीचिंग के लिए, तो आज जो है उसकी रैंक आ गई है और ये रैंक ऑल ओवर स्टूडेंट्स की है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आप जो है रैंक को, जो आपकी रैंक आई है उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और बातें भी बताऊँगा जो आपको ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर आएंगे आप और सर्च करेंगे SCERT दिल्ली। बस आपको SCERT दिल्ली ही सर्च करने लेना है। तो मैं भी सर्च कर लेता हूँ SCERT। ओके, उसके बाद आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी एक साइट आ जाएगी जिसमें SCERT Delhi admission.nice.in, ये गवर्नमेंट की साइट है। और किसी साइट पे मत जाना, नहीं तो फिर बेखामते में पेज वगैरह खुलते रहते हैं। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। अभी थोड़ा सर्वर का इशू है, लेकिन फिर भी चल रहा है ठीक ठाक। और इसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर देना है ताकि ये जो स्क्रीन है इसकी ये फुल हो जाए। तो डेस्कटॉप साइट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपसे आपकी जो स्क्रीन है वो फुल साइज हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर शेड्यूल्ड लिखा हुआ है न्यू में। शेड्यूल्ड आपका प्रोस्पेक्टस है, तो प्रोस्पेक्टस पे मैंने वीडियो बना दी थी कि क्या क्या डेट है, इंपॉर्टेंट डेट वगैरह जो थी। और ये आपकी रैंक आई है, रैंक लिस्ट DLED। और इसके अलावा DPSC जो करते हैं स्टूडेंट, उनकी भी रैंक आई हुई है, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो अपने आप ओपन हो जाएगा, या फिर डाउनलोड से आप जाके देख सकते हैं। तो ये आपकी सभी स्टूडेंट्स की जो है रैंक आ गई है। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स है और उन्हीं का नाम आ जाएगा तो हमारा नाम गवर्नमेंट डाइट में नहीं आएगा। हाँ, ये बात है कि आपकी जो रैंक है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगी, लेकिन जो कट ऑफ है ये भी है कि कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी इस बारी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के 100% है 12th में, इसके अलावा 10th में भी है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप जो है अपनी रैंक कैसे ढूंढेंगे, तो रैंक को ढूंढने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये, तो ये सभी स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। और जब आपने DLED का फॉर्म भरा होगा तो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर होगा, आपको सिंपली उसको देखना है और उसके बाद जो है यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली कोई सा भी नंबर उठा लेता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। जैसे मैंने ये नंबर उठाया, कॉपी किया यहाँ से। आप क्या करेंगे, अपने प्रोस्पेक्टस में देखेंगे, आपका जो फॉर्म होगा ना, जिस जो आपने भरवाया होगा उस पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, आप क्या करेंगे लिख देंगे। तो जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर जो हाईलाइट करता हुआ आ जाएगा, तो यहाँ पर आप उससे रैंक भी देख सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी और आपकी परसेंटेज वगैरह सब कुछ होगी, कैटेगरी इसके अलावा भी होगी। और सेम एज इट इज़ इसी प्रकार से जो है आपकी फर्स्ट कट ऑफ जब आएगी सेम इसी तरह का होगा, लेकिन उसमें जो है डाइट का नाम भी शो होगा कि आपका नाम जो है किस डाइट में आया है। और उस पर भी बात कर लेते हैं। और अभी क्या करेंगे, आपका आपकी जो रैंक आ गई है उससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो है आपका नाम गवर्नमेंट डाइट में आएगा या नहीं आएगा। वैसे मुझे लगता है 89+ जो है कट ऑफ जाने वाली है गवर्नमेंट डाइट की, बाकी देखते हैं 88 हो जाए तो वो भी सही है। इसके अलावा पिछले साल तो लगभग 87 तो गई थी। तो प्रोस्पेक्टस में देख लेते हैं बाकी चीज़ें कि ये प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, ये ओपन हो गया है। और आपको इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह है वो देख लेते हैं। हाँ, आज 14 है, आज आपकी जो है ये रैंक शो हुई है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आपकी 17 तारीख को, तो ध्यान रखिएगा ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जो है इसका फॉर्म फिलअप किया है। तो आपको आपकी जो रैंक आएगी वो 17 तारीख की आएगी, फर्स्ट रैंक या फर्स्ट कट ऑफ आप बोल सकते हैं मेरिट लिस्ट। तो आपको ये डेट ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं इस पर वीडियो बना दूंगा और ये भी बताऊँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने ज़रूरी है।
ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट मिस कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए उनको जो है 1 दिन 2 दिन का टाइम मिलता है इसमें। इसमें देखिए 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो है आपकी एडमिशन प्रोसेस है। मान लीजिए आप एक दिन गए, आपका डॉक्यूमेंट्स कुछ मिस था, आप फिर अगले दिन आना पड़ेगा, या फिर आपका डाइट जो है गवर्नमेंट वो दूर है, तो इससे काफ़ी परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा और टाइम से पहले जो है वहाँ पहुँचने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं जो है इसकी जो रैंक आ जाएगी, फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी, तब मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।